ये मुंबई जाना है, मुंबई मुंबई। बाइक पे? हाँ, दिल में भी दुख 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 हो रहा है। लेट्स सी। वो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। Here is the most difficult part of any ride, saying goodbye to your parents, heading back to Mumbai after 2 weeks of chutti. So the temperature right now is 5 degrees. The distance to be covered is around 2,100 some odd kilometers. Let's go, boys. Yeah. Thank you, Dad. Bye, Ma. Bye, bye. गण गणपतिये नमः, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर हर महादेव, रक्षा प्रभु रक्षा। सो दिस इज वेयर आई लिव, दिस कॉल्ड नगरोटा, TRT माइग्रेंट कैंप। यस, माइग्रेंट कैंप। तो इससे पहले कहीं और रहते थे, 6x8 या 6x6 के कमरे में। यहाँ से जस्ट आपको सामने में दिखा नहीं पाऊँगा बादलों की वजह से, जो सामने ही वैष्णो माता है कटरा, विच इज़ प्रॉब्ली अराउंड 30-35 किलोमीटर्स फार फ्रॉम यहाँ। तो ये है पहला दर्शन कॉल कंडोली, जो कटरा आते होंगे उनको पता होगा, बखूबी पता होगा, यहाँ पे आना ज़रूरी है। जय माता दी। By the way, this is तवी, river तवी, जो एक time पे काफी प्रचंड उफान पे रहा करती थी, but obviously developments ने खत्म कर दिया है इसके उस उफान को, but अभी भी जब बारिश काफी अच्छी मात्रा में होती है तो ये अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है। So I've done some 85 kilometers in 1.45, मतलब 1 घंटा 45 मिनट। भाई साहब, तो ट्रेडिशनली कैसा होता है ना कि जम्मू से या श्रीनगर से भी ले लो, तो आप जम्मू आते हैं, जम्मू से फिर पठानकोट की तरफ जाते हैं। मैंने पठानकोट की तरफ नहीं गया, मैं टूवर्ड्स अमृतसर गया, अमृतसर से फिर लेफ्ट लिया जलंधर के वहाँ से, एंड नाउ जलंधर के यहाँ से मैं बीकानेर वाला रास्ता ले रहा हूँ। तो 303 कुछ किलोमीटर हो चुके हैं मात्र 4 घंटा कुछ मिनट में, एंड वैसे तो यूजुअली NH44 लेना चाहिए था, बट मैं NH54 पे जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। तो देखते हैं कितना जल्दी कर सकते हैं हम मुंबई की जर्नी को। अभी भी कुछ अराउंड 1700 किलोमीटर बाकी हैं, लेट्स सी। और चलो लेट्स गो। मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा, ज़्यादा राइड करूँगा। ये वाला रास्ता बहुत ही प्यारा है सो फार, सीरियसली बहुत मज़ा है। ओ ओ ओ पापी पापी, मतलब बहुत मज़ेदार था। पीछे पेड़ों वाला सेक्शन ना, पेड़ों में से, ओ माय गॉड, ये तो ये डैम है कि क्या है, ये डैम है आई थिंक। वाओ दैट्स प्रिटी मैन, दैट्स प्रिटी, या दैट्स प्रिटी। तो थोड़ा पंजाब का अंदर वाला एरिया है मोगे साइड पे, तो आई एम समवेयर क्लोज टू मोगा। अगर कोई पंजाबी है तो उनको पता होगा जहाँ की पिंकी है, पिंकी मोगे वाली, वही मोगा। जोक्स अपार्ट, दैट्स अ पंजाबी मूवी एक्चुअली। यू टू मॉम, बाय बाय। सो दिस इज द सिटी ऑफ लेक्स, मैंने पढ़ा था पीछे, वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक बठिंडा, एंड व्हाट आर दीज ह्यूज स्ट्रक्चर्स। मैंने तो हमेशा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ही ऐसे देखे हैं डिजाइंस। आप लोग बताओ कमेंट्स में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है रियली। वाओ दे आर ह्यूज, बाहर से सीढ़ियाँ भी लगी है, भाई साहब मैं ना चढ़ूंगा भी ऐसी, कुछ तो है, बिजली का ही रहेगा वैसे तो, बोले तो न्यूक्लियर तो नहीं रहेगा यार, न्यूक्लियर रहता है ऐसे सिटी में? आई डोंट नो, यू गाइस कमेंट डाउन कि बठिंडा में ये क्या है। सब कुछ सही चल रहा था अभी तक, बट पिछले 15-20 किलोमीटर से सिर्फ डाइवर्जेंस है और ऐसा टाइप का रूट है, विच इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी। व्हाट टू डू, रोड को तो बनना चाहिए,
रोड बनेगा तभी तो हम और ट्रैवल करेंगे। बट ट्रैवल से याद आया, तुम लोगों को आजकल मोटो व्लॉग्स पसंद नहीं आते ना, तुम लोगों को क्या देखने का है कि मैंने नई गाड़ी ली, मैंने नई गर्लफ्रेंड बनाई, मैंने ये खाना खाया, मैंने वो खाना खाया। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस नाउडेज। मोटो व्लॉग का कल्चर तो बहुत मोटो व्लॉगर्स बोलते हैं कि है ही नहीं, एंड प्रॉब्ली एंड मोस्टली नॉट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ देम हैव स्टॉप्ड ओनली राइडिंग। आई एम नॉट स्पेसिफिकली मेंशनिंग ओवर हियर एनीवन। ओ भाई लॉर्ड स्प्लेंडर। गाइस चेक दिस आउट, अभी आते टाइम पे भी ऐसी एक हाईवे पे चढ़ाया था मेरे को गूगल ने, है ना, तो वो अंबाला ट्रांस हाईवे था जहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं थी। अभी यहाँ पे मेरे को चढ़ाया है, यहाँ पे मेरे को डांबर की खुशबू तक आ रही है पता है, बट यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही थी, बाइक भी देखी मैंने जाते हुए, तभी मैं इस पे चढ़ गया, मतलब यहाँ से सर्विस लेन से यहाँ चढ़ाया था। बट जितना मेरे को दिख रहा है ना ये मैप में, मैप में अगर तुम लोगों को दिख रहा होगा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कहीं नहीं हूँ, ये रोड मैप पे भी नहीं है। मतलब मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, अब मेरे को कहीं ठुल्ले उल्ले ना पकड़े यार, मेरे को लग तो रहा है पर ठुल्ले पकड़ेंगे तो नहीं यहाँ पे। बट लेकिन क्या मतलब क्या कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तो ये देख रहे हो, आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं, अगर विजिबल होगा तो पता लग जाएगा मेरे को एडिटिंग में। बट ये देखो ये किधर है वो किधर है, क्या दबा दिया टाइगर। गाइस चेक दिस आउट, चेक दिस आउट, ये टोटली फ्रेश वर्जन हाईवे है, NH54 दिखा रहा है। आप अभी गूगल मैप दिखेगा क्या, हाँ ये देखो मैं ये सीधा सीधा जा रहा हूँ और रोड कहीं है, मैप्स कहीं और दिखा रहा है, आई डोंट नो, बट आई एम एंजॉइंग। ये कहाँ ले जा रहा है मेरे को नहीं पता। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया और कुछ भी पसंद आ रहा है तो यार लाइक करके ज़रूर जाना, और शेयर और सब्सक्राइब तो आपको पता ही है वो भी ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि कैसे लग रहा है, ठीक है प्लीज़। बाकी मेरे को तो मज़े आ रहे हैं, सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। खेत है, टेम्परेचर इज अराउंड 22.5 डिग्री, ये सब लगा के बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाकी अंदर तो कुछ नहीं है। एक ट्रिक किया है मैंने यूज, उसको मैं टेस्ट किया हूँ इस राइड पे, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम दैट इज टाइगर कॉल TIGERKOUL उसको फॉलो करना है, ठीक है। 15-20 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ इस हाईवे पे, गूगल अभी देखो फिर से कहीं और ही जा रहा है, आ गया था बीच में लाइन पे, अभी कहीं और फिर से जा रहा है, आई डोंट नो मैं सही भी जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। जोधपुर बीकानेर 754A हाईवे है, ये हाईवे 754A, भाई साहब ये जो वाइट स्ट्रिप्स है ये बिल्कुल नई नई लेड आउट है, तो मैं इसके ऊपर टायर ले जा रहा हूँ ना, तो टायर मेरा हल्का सा फिशटेल हो रहा है। तो अभी आगे टोल दिखा रहा है, तो देखते हैं टोल ऑपरेशनल है, वहाँ पे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गूगल माता कहीं और ही जा रही है, मतलब एकदम कंफ्यूज ही आ गई है। ये देखो अभी वापस मार रही है यू टर्न, ये अभी चल रहा है क्या हाईवे, यहाँ से जा सकते हैं यहाँ से, आ गया हो ना, हाँ तो ये मुंबई जाना है, मुंबई बाइक पे, हाँ यहाँ पे इस पे चलने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थैंक यू। कौन सा मार्ग है ये, कौन सा मार्ग है अहमदाबाद ना, थैंक यू। चलो भाई साहब मिल गए हमें, अच्छा नेशनल हाईवे वेलकम टू, कुछ लिखा ही नहीं है भाई, नाम क्या है लिखा ही नहीं है। ड्रोन्स के कुछ शॉट लिए गए हैं सदियों बाद, प्यार दे देना इन ड्रोन शॉट्स को। Close till I get up, time is barely on our side.
chase what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. ये लो जी, हनुमानगढ़ में रास्ता खत्म, हाईवे की मौज इतनी थी। ओ भाई साहब, मेरे को लगा ही था वहाँ पे वो वहाँ से नीचे से जा रहे थे ना, मेरे को भी वहीं से जाना पड़ेगा अब। ए डॉजी, हाँ जहाँ से वो ट्रक जा रहा है वहीं से जाना है। God damn, हाल हो गया यार। इससे अच्छा मेरे को लग रहा है ट्रेडिशनल रास्ते पे ही रहता, एक्सपेरिमेंट किए बिना तो ज़्यादा बेटर लगता। अब यहाँ से रास्ता होना चाहिए उतरने का। ओ भाई साहब, ये तो कट्टर ऑफ रोडिंग है। मरा 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 वाला फील होगा। लाला इज प्रो भाई, लाला के होते हुए हमें कोई टेंशन नहीं है। ओ भाई 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 भाई, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्या लाला? पीछे आ रहे भाई? नहीं, मेरे टाइम नहीं यार। माँ कसम, यहाँ फंसे ना कोई भी नहीं मिलेगा। चल मेरी लैला, दिखा दे। ओ, मेरा पाँव आधा धस गया था मिट्टी में। ओ बा 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 बा, ये देखो अभी अपने को, हाँ लेफ्ट ही जाना है। मेरा आधा जूता धस गया था भाई उसमें। ओह डैम। हे डॉजी, हर कोई पूछता है कि तुम ट्रैवल क्यों करते हो मोटरसाइकिल पे, यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ सच मोमेंट्स। वाओ, लुक एट द ब्यूटी मैन, ब्यूटी ऑफ नेचर, लुक एट द कलर्स, ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन, एंड देन वो थोड़ा सा हाय 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 सुनहरी सा, कितना प्यारा लग रहा है यार। अगर आप लोगों को भी प्यारा लगा ना वो, तो प्लीज़ लाइक ठोक दो और कमेंट में बताओ। तो लेकिन आप यहाँ के लोकल हो? हाँ, लोकल। तो यहाँ पे कोई होता है ऐसा? ऐसा कभी नहीं सुना। अब ये रोड चालू हुआ बीकानेर से आगे है तो वो हमारे को पता नहीं इधर तक नहीं। क्यों, ट्रैफिक बहुत चलता है। बाइक्स भी जाती है ना? वो रेसर बाइक निकले आपके जैसी, 7-8 बाइक निकल गई एक आदमी की गाड़ी के साथ। तो जाऊं फिर मैं भी? देख लो, जा सकते हो, जाओ बीकानेर में, फिर बीकानेर से रिटर्न लेना नीचे हो जाएगा। थैंक यू। अभी मैं रियर व्यू मिरर में देख रहा था तो मेरे को काफी अजीब दिख रहा था ये आदमी, आप पता नहीं। I don't know, let's see. ये रूट फिर भी सेफ लगता है क्योंकि हाईवे है, अंदर नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी और ट्रैफिक भी रहेगा तो और भी तकलीफ़ नहीं होने चाहिए। बंदा कितना क्यूटली बोलता है आप जाओ, जा तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जैसी बहुत सारी रेसर बाइक्स निकली है भाई, रेसर नहीं है, टूरिंग है। चलो ठीक है, उसकी गलती नहीं है, वो चालान कट सकता है, मेरी ड्यूटी थी बताना। भाई फिर तू जाने क्यों दे रहा है? मैंने कहा कि कौन काटेगा, वो टोल वाले नहीं, कैमरा वाले, कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है, कितना कटेगा पता नहीं। अभी ज़िंदगी में एक और मसला हो गया है, मैं जब इस अमृतसर जामनगर हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ा था, जब पीछे मैंने आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, तब से मैं चले जा रहा हूँ, तब रेंज कुछ 250 किलोमीटर का था और अब सिर्फ 35 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। मैं रास्ते में कुछ ट्रक वालों से भी मिला, उनसे भी बात किया, कहीं कोई पेट्रोल पंप नहीं है। एक जियो का मिला था पेट्रोल पंप, वो भी बंद है, मतलब अभी खुला ही नहीं है क्योंकि ऑपरेशनल नहीं है ये एज सच। अभी बहुत ही कट टू कट हालात चल रहे हैं मेरी ज़िंदगी के,
तो पीछे एक ग्रुप मिला था, वो लोग रोटी वोटी बना रहे थे ट्रक ड्राइवर्स का ना पंजाब से, तो बता रहे थे आगे बीकानेर का एग्जिट आएगा वहाँ से लेना। बीकानेर दिखाई नहीं रहा है इसमें, बीकानेर का एग्जिट आएगा वो लेना और उसकी 3-4 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाना चाहिए तेरे को, फिर वापस आके इसी हाईवे पे जाना आगे, क्योंकि हाईवे अच्छा है तेरे को, आराम से जल्दी पहुँचेगा तू। एंड नाउ आई डोंट नो, खूब बोल रहे थे डीजल जितना चाहिए बता, डीजल दे देंगे, पेट्रोल तो हमारे पास भी नहीं है। गाइस चेक दिस आउट, सो सीन ये हो रखा है कि रेंज अभी सिर्फ 3 किलोमीटर की है और कोई आता पता नहीं है पेट्रोल पंप का, अभी कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है, सीधा सीधा ही चले जा रहे हैं। आदित्य इज देयर ऑन कॉल गाइडिंग मी थ्रू, मैप में देख रहा है, लाइव लोकेशन भेजी हुई है मैंने, कुछ तो एक उम्मीद जागी है कि आगे एक एग्जिट आएगा, वहाँ पे थोड़े ही दूर पे एक पेट्रोल पंप है, बट वो भी श्योर नहीं है कि वो, हाँ 2 किलोमीटर है अभी कुछ और रेंज भी 2 किलोमीटर है, दिल में भी दुख 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 हो रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो, आई डोंट नो मैन। आदित्य बोल रहा है फोन पे पहुंच जाएगा तू, 1 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, देश नोखा, देश नोखा है एग्जिट का नाम वैसे तो, DESHNOKA, देश नोखा। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड फाइनली मेरे को दूर दूर तक, मतलब दूर दूर से कुछ लाइटें दिख रही है, नहीं तो अभी तक चारों तरफ पिच ब्लैक था। एंड 500 मीटर्स पे है अभी एग्जिट, फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया यहाँ पे, थैंक्स टू आदित्य, ये कॉल पे रहा, इसने नेविगेट करा है मेरे को, ओ यस पेट्रोल पंप इज हियर इंडियन ऑयल, थैंक यू सो मच नीतल, हाँ फुल टैंकर बाहर लेता हूँ मैं अभी, मतलब अगर मैं तुम लोगों को रेंज दिखाऊं इज जीरो, सी चेक दिस आउट ओवर हियर, और जीरो पे भी कुछ आई थिंक 8-10 किलोमीटर चला है, और 2 पेट्रोल पंप देखे वो भी बंद थे, आई हैड होप्स बट थैंक्स टू आदित्य, ही वॉज देयर ऑन द मैप गाइडिंग कि यहाँ से जाओ इधर से जा मिलेगा, बहुत खुशी हुई है आज पेट्रोल पंप को देख के सांबा, और ये सब लोग मेरे को घूर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को लगता है ज़िंदगी में, जब से टाइगर चला रहा हूँ, 2000 का पेट्रोल गया है, क्योंकि इतनी खाली कभी हुई ही नहीं थी, हमेशा 1500-1000 इतना ही हुआ है। डैम दिस वाज लिटरली एपिक, हाँ अभी नेक्स्ट ये डिसाइड करना है कि कहाँ रुकना है, बिकॉज द टाइम राइट नाउ इज 8:32 एंड व्हाट आई हैव डन, अभी भी लो फ्यूल, आई हैव डन सम 754 किलोमीटर्स, सो दिस इज श्री करनी इंदर पैलेस, करनी माता टेम्पल के नाम पे पड़ा है इस होटल का नाम, देखने में तो अच्छा ही है, 1000 रुपये ना एक रात का। सो हाईवे भी यहीं पर है, एंड दिस इज ऑल्सो बैंक अपोजिट, एंड पेट्रोल पंप इज ऑल्सो हियर, खाना वाना मिलेगा, सब मिलेगा और क्या मिलेगा। आई हैव चेक्ड इन टू द होटल करनी, होटल करनी माता के नाम पे, विच इज द फेमस इन बीकानेर, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब आते हैं करनी माता मंदिर में, इनके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो फाइनली मैं इन्हीं के नाम वाले होटल में आया हूँ। रीजन मैं रुका यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो अभी हाईवे पे सीन हुआ ना पेट्रोल का, दैट वॉज नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस, आई मीन एक बार इससे पहले भी हुआ था नेपाल के टाइम, बट आई वॉज चिल्ड क्योंकि 8-10 लोग थे, गाड़ी थी, सब कुछ था, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑल राइट विद दैट, अगर यहां तक वीडियो देख लिया और किसी भी रीजन से कुछ भी पसंद आया यार, मतलब वो नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस ही पसंद आया है कि कैसे हुआ और कैसे मैंने पेशेंस रखी, कैसे मेरे को मेरे दोस्त ने, मेरे छोटे भाई ने मेरी सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में जब एक आधा सपोर्ट में मिल जाता है ना, तो आप दरिया पार कर सकते हो छोटे से तिनके की मदद से, है ना।
And with that, as always, stay cool, stay healthy, stay ahead. And don't forget to stay sexy like me. Always, boys, take care of your Matashri, your Pitaji. Take their blessings always before you leave home for whatever reason. Peace out.